अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। सऊदी अरबिया से जुड़ी जरूरी अपडेट चलिए इस वीडियो में आप लोगों तक शेयर करता हूं। पहला अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ हज के तरफ से। उन्होंने ये कहा है 15 साल से कम उम्र के बच्चे इस साल हज नहीं कर सकते। इससे पहले जावाजात से किसी ने पूछा था तो जावाजात ने रिप्लाई दिया था कि मिनिमम 5 ईयर तक के बच्चे हज कर सकते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हज ने ये चीज़ को अभी क्लियर कर दिया है 15 साल से जिनकी उम्र कम है वो हज नहीं कर सकते। तो ये वीडियो को शेयर करके तमाम लोगों को ज़रूर बता दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि पहले बोला गया था 5 साल। दूसरा अपडेट है नए जो लोग आएंगे सऊदी अरबिया उनके लिए। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि शानवर भाई सिगरेट तंबाकू कितना लेके जा सकते हैं सऊदी अरबिया या फिर ये सब मना है। तो देखिए, सऊदी अरबिया मना नहीं है, आप सिगरेट ला सकते हो, तंबाकू भी ला सकते हो, लेकिन कस्टम वालों का जो रूल है मैं वो बता दे रहा हूँ। आप सिगरेट अगर ला रहे अपने साथ में तो पीस में 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 पीस। एक डब्बे में 10 अगर रहता है तो आप टोटल 20 डब्बा ला सकते हैं। काउंट में 200 पीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद खैनी अगर आप लोग खाते हो, खैनी लाना है तो खैनी आपका आधा किलो 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को सिगार भी लाना है तो सिगार आप 24 पीस ला सकते हो। इससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आप लाते हो, कस्टम वाले पकड़ लेते हैं, हो सकता है आपका सारा वो सीज करके फ़ाइन भी कर दें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी रिस्क मत लीजिएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग नए आएंगे उनके लिए ही बता रहा हूँ, अभी सऊदी अरबिया में इकामा प्रोफेशन चेंज नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा। और सऊदी अरबिया में रूल्स रेगुलेशन भी बदल चुके हैं, पहले जैसा नहीं है। पहले क्या होता था, कोई भी वीज़ा में लोग आ जाते थे सऊदी अरबिया, कोई दिक्कत नहीं होता था क्योंकि पहले उतना रूल्स नहीं थे। अभी क्या दिक्कत हो रहा है, कंपनी वालों ने पहले ही वीज़ा ले लिया है जावाजात से, अब जो तो वीज़ा में लोगों को बुला रहे हैं उसके बाद उनको इकामा बनने में दिक्कत हो रहा। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, आपके दोस्तों के साथ ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ सऊदी अरबिया अगर आपको आना है, आना चाहते हो, जो काम में आप आ रहे हो मेक श्योर वही आपका वीज़ा हो। सेम वीज़ा पे आप आएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सेम वीज़ा नहीं है, आप सोच रहे हो यहाँ जाने के बाद इकामा प्रोफेशन चेंज कर लेंगे, तो ये चीज़ करने में आपको बहुत दिक्कत होगा। और दूसरी चीज़, अगर आपका इकामा अलग है, काम आप अलग करते हो, ये सऊदी अरबिया में इल्लीगल है, यहाँ का लेबर लॉ का वायलेशन कर रहे हैं आप। पकड़े जाते हो आप पे ग्रामा होगा, आपका कफिल कंपनी पे भी ग्रामा होगा। तो जो लोग भी नए सिलेक्शन में सऊदी अरबिया आ रहे हैं पहले अपना वीज़ा चेक कर लीजिए। अगर आपको चेक करना नहीं आता है कोई सीनियर बंदा से पूछिए, उनसे हेल्प लेके देखिए जो काम में आप जा रहे हो वही वीज़ा है या नहीं, नहीं तो यहाँ आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। रिसेंटली कई लोग मुझसे कॉन्टेक्ट किए, रोज़ कॉन्टेक्ट करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। अभी लोगों के साथ में दिक्कत क्या हो रहा है, कानून के बारे में मालूम नहीं है, नए वीज़ा पे आ जा रहे उसके बाद उनका इकामा नहीं बन रहा। कुछ लोग इंजीनियर का वीज़ा में आ रहे हैं, इंजीनियर को अब चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस, अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, नहीं है तो फिर आपका इकामा नहीं बनेगा। बहुत सारा रूल है, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में मेम्बरशिप लेना है, मैंने ये सब पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। टेक्नीशियन वीज़ा पे आएंगे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो भी आपका इकामा नहीं बनेगा। मैं भी जो चेंजेज हुआ है उस पर भी सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा कि सऊदी काउंसिल में अभी क्या क्या चेंजेज हुआ है। तो ये सारा रूल्स रेगुलेशन के बारे में जानकारी रखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए वीडियो को शेयर करके, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद एक अपडेट है सऊदी सेंट्रल बैंक के तरफ से। अभी ईद उल अजहा आने वाली है तो एक हफ्ते के लिए बैंक बंद रहेंगे, तो अगर जिसको भी पैसे वगैरह भेजना है आप पहले ही भेज लेना। कब से कब बंद रहेगा मैं बता दे रहा हूँ, बैंक भी बंद रहेगा, फौरी वगैरह जहाँ से हम लोग पैसे भेजते हैं इंजाज, वो सब भी बंद रहेगा एक हफ्ते के लिए। आप लोग को दिक्कत ना हो, आपके दोस्तों को भी दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको भी ज़रूर बता दीजिएगा। अंग्रेजी का कैलेंडर में 6 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई, यानी 6 से लेकर 13 जुलाई तक बंद रहेगा बैंक, पैसे भेजने वाले सब चीज़। तो जिसको भी पैसा भेजना होगा आप लोग पहले ही भेज लेना। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हम ऑनलाइन भेज सकते हैं कि नहीं, अलराजी से, एसटीसी पे से।
तो देखिए, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कभी भी कर सकते हो, यही फ़ायदा होता है खुद से ऑनलाइन भेजने का, उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।